नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर राणा जी एग्जाम क्रैश पर फिर से आपका दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज से आपको हिंदी भी की भी डेली क्लासेस चलेंगी और जैसे रीजनिंग की भी क्लास चलेंगी दोस्तों, और जीके की जिस तरीके से क्लास चल रही थी डेली एक क्लास वो चलती रहेगी। दोस्तों, जिस तरीके से UPSI की वैकेंसी आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि हम डेली एक हिंदी की आपको क्लास दें और उसमें आपको टोटल हिंदी कवर कराई जाए। तो दोस्तों, इसी के लिए इसी को बात में ध्यान रखते हुए हम पहली क्लास रचनाएं के ऊपर लाए हैं। इसमें महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, हम सारी रचनाएं ऑल रचनाएं तुम्हें 3 से 4 क्लासों में पूरी करा देंगे। दोस्तों, इसमें हमने कुछ रचनाएँ ली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, तो दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों, अशोक के फूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, अपनी नोटबुक में से लिख लीजिए और आपको हर एग्जाम में चाहे आप UPSI का दें या कांस्टेबल का दें दोस्तों, 1 से 2 रचनाएं आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इसे दोस्तों ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखें, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं मिलेंगी। दोस्तों, अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है दोस्तों, बहुत फेमस रचना है दोस्तों, इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए इन सारी रचनाओं को। इसी प्रकार दोस्तों, चिंतामणि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, बहुत इम्पोर्टेंट रचना है इनकी ये भी। दोस्तों, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, तो दोस्तों पंचवटी, साकेत, भारत भारती, ये मैत्री शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों ये भी इनकी। हमने सारी जो रचना लिखवाई है सारी महत्वपूर्ण रचनाएँ लिखवाई हैं दोस्तों, और आगे भी जितनी भी देखिए रचनाएं बहुत हैं, बहुत सारे राइटरों ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। एक राइटर ने कम से कम 250 से 300 तक रचनाएं भी लिखी हैं। अब वो सारी तो नहीं कराई जा सकती और सारी एग्जाम में आती भी नहीं है, महत्वपूर्ण ही आती हैं, तो इसलिए हम महत्वपूर्ण ही लिखवा रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, आंसू, लहर, तितली, दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएँ हैं, आप इसे ध्यान रखें। इसी प्रकार दोस्तों, आयने अकबरी, ये अब्दुल फजल जी की रचना है दोस्तों, और दोस्तों यशोधरा जो रचना है दोस्तों मैत्री शरण गुप्त जी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, ये रिपीट होती रहती है। इसी प्रकार महाबोज मन्नू भंडारी जी की रचना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है, ये भी मोहन राकेश जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। दोस्तों, इसी प्रकार मेरी जीवन प्रभा जो है वियोगी हरि जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की, गीत गोविंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, गीत गोविंद, इसे आप बहुत ध्यान रखें। ये जयदेव जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। शाहनामा, ये तो हिस्ट्री का भी इसमें जिक्र होता है शाहनामा का, ये फिरदौसी जी की रचना है, आप इसे भी याद रख लीजिए। बुद्ध चरित्र अश्व घोष की रचना है, ये भी हिस्ट्री का ही है, प्राचीन भारत की रचनाओं में से एक है। रंग में भंग मैत्री शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों ये भी, आप इसे भी ध्यान रखिए। दोस्तों, यह है विचार प्रभा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है दोस्तों। घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर की रचना है दोस्तों, आप इसे सचिन तेंदुलकर ना सोचें दोस्तों, ये विजय तेंदुलकर राइटर है भाइयों, ये विजय तेंदुलकर जी की रचना है, इसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इस जब ये क्वेश्चन आता है तो लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, और ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर जी भी आता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए विजय तेंदुलकर है दोस्तों, ध्यान रखें। गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक की ये रचना है, इन्होंने जब ये जेल में थे जब ये रचना लिखी थी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रचना है ये दोस्तों। अगली जो रचना है जानकी हिरण जो है, ये कुमार दास की रचना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। अगली रचना है महिला आंचल फंडेश्वर नाथ रेड्डू, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद, ध्यान रखना है दोस्तों। कुटज हरि प्रसाद द्विवेदी, कुमार शंभव कालिदास, दोस्तों तमस, ये भीष्म साहनी जी की रचना है। गुल्ला डंडी,
ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार, ये बहुत फेमस रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की, जी इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। राग दरबारी श्री लाला शुक्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिए। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी ना लगी हो तो शौक से दोस्तों डिसलाइक करें। पर डिसलाइक करने से पहले हमें ये ज़रूर बता दें आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। मैं मानता हूँ छोटी मोटी कमियाँ हैं इसमें दोस्तों, पर एडजस्ट कर लें क्योंकि हमारी ये पहली ही वीडियो है दोस्तों। धन्यवाद।